सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियोज़ आपको मेरी मिलती रहें। एग्जाम्पल नंबर वन, आपको एग्जाम्पल क्या दी गई है कि आप एक्सपेंड करें इस एक्सप्रेशन को। अब हमारे पास आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है, तीन हमारे पास क्वांटिटीज हैं, दैट इज वन टू एंड थ्री। इट्स मीन्स के तीन हमारे पास क्या हैं, नंबर्स, ठीक है। लुक एट दिस। अच्छा, अब आपने करना ये है कि सबसे पहले आपने देखना है कि इस पर कौन सा फार्मूला लग सकता है। जो मैंने अभी बताया आपको, यूजिंग उसी फार्मूले को करेंगे हम। आप इस फार्मूले को देखें कि वो इससे मिलता जुलता है। देखें, ए प्लस बी प्लस सी होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इसका जो मिलता जुलता है वो इस चीज़ से, तो इसका मतलब ये वाला फार्मूला इस पर अप्लाई हो सकता है। सबसे पहले ये चीज़, फिर आप एक काम करें कि आप यहाँ पर लिख लें कि इसमें ए बी और सी इसके अंदर क्या है, साइड पर लिख लें। देखें, आप लिखेंगे कि ए आपके पास क्या है इसमें, 2a, अगर मुझे इस फार्मूले को यूज़ करना है। b आपके पास इसमें क्या है, इसके मुताबिक इट्स अ 4b, और c आपके पास क्या है, इट्स अ माइनस 3c, ठीक। और नाउ अप्लाई, इस फार्मूले को अब हम अप्लाई करते हैं। किस तरीके से अप्लाई करेंगे, देखें, आप लिखेंगे 2a प्लस 4b माइनस 3c होल स्केयर इज इक्वल टू। अब आप इस पर अप्लाई करते हैं। देखिए, सबसे पहले a का स्केयर है, a आपने देखा, इसके मुताबिक कंपेयर करें। आफ्टर कंपेयरिंग आपके पास आया 2a का स्केयर प्लस, अब आपके पास क्या आ गया, 4b का स्केयर, ठीक है। प्लस के साथ यह माइनस 3c का स्केयर, ठीक है। ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर कंपेयर करें, ठीक है। आगे 2a क्या है आपके पास, इट्स अ 2a, b आपके पास क्या है, इट्स अ 4b, प्लस 2 बी आपके पास क्या है, इट्स अ 4b, और सी आपके पास क्या है, माइनस 3c। फिर प्लस के साथ 2 लिखेंगे यहाँ पे, आप यहाँ पे सी लिखेंगे, दैट इज माइनस 3c, और उसके बाद हमारे पास ए है, इट्स अ 2a। नाउ अब इसको सॉल्व करते हैं। 2a होल का स्केयर, इट मींस के 4a स्केयर प्लस 16b स्केयर प्लस, देखें माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इट विल बिकम अ प्लस 9 सी स्क्वायर प्लस 2 को इससे मल्टीप्लाई करें, 2 टू ज़ा 4, फिर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम अ 16 ए बी, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे ये। नेक्स्ट, सॉरी, यहाँ आएगा माइनस, क्योंकि यह माइनस का साइन है, बाहर माइनस आ गया। अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टू ज़ा 8 और 8 थ्री ज़ा 24, माइनस 24 बी सी। फिर यहाँ पर दोबारा हमारे पास माइनस आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, इट्स अ 12 सी ए। हेंस दिस इज आवर आंसर, 2a प्लस 4b माइनस 3c होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। हमें इन फार्मूलाज को यूज़ करने का हमारा मकसद ये है कि हमने, हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है। नहीं तो आप इसको क्या करते, आप बिल्कुल जैसे मैंने अभी प्रूफ किया, आप इसको 2 बार लिखते। देखें, 2a प्लस 4b माइनस 3c, 2 दफ़ा लिखते, ठीक है, और फिर इतना लंबा प्रोसीजर करते। हमारे पास फार्मूला, हमारे पास प्रूफ था कि अगर इस टाइप की आइडेंटिटीज हो तो इस तरह इस पर फार्मूला अप्लाई हो सकता है, तो हम जस्ट उस पर डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करके अपना आंसर ईजिली निकाल सकते हैं। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। If now we will move to next example, if a plus b plus c is equal to 8 and the ab plus bc plus c is equal to 17, find the value of the a square plus b square plus c square। अच्छा, आप देख सकते हैं कि आपको क्वेश्चन की जो भी नोयत है उससे पता चल सकता है कि हम इस पर किस तरीके का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इसमें तीन ही क्वान्टिटीज का जिक्र है, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, सही, ए बी बी सी सी ए। आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। आपने करना ये है कि आपको फाइंड आउट करनी है ये वैल्यू, आपको दिया हुआ क्या है, आपको दिया हुआ है ये है, ये एक वैल्यू दी हुई है और ये दी हुई है, फाइंड आपने ये करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो गिवन है हेयर, हम उसको ले लेते हैं, इट्स ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 8, सही। इसको हम लेंगे जो गिवन है, और यह जो वैल्यू है ये अंदर आके फार्मूले में यूज होगी। लुक एट दिस, किस तरीके से करेंगे हम। सबसे पहले आप लिखेंगे टेकिंग
क्योर ऑन बोथ साइड्स, ऑफ बोथ साइड्स, ठीक, हम दोनों साइड्स पे इसका जो है क्योर ले लेते हैं एंड वी गेट ए प्लस बी प्लस सी होल स्केयर इज इक्वल टू ए का स्केयर। इस पे आप फार्मूला अप्लाई कर दें जो आपको पता है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्केयर, जब भी पढ़ा हमने, इट्स ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, ठीक है, दैट इज और एट एट 64, ये एट का स्केयर लेंगे आप। अब नाउ एक और चीज़ आप इसमें कर सकते हैं कि आप इसमें से टू को कॉमन ले सकते हैं। टू जब आपने बाहर कॉमन लिया तो बाकी नंबर से टू क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ सब पे वन वन आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 64। अब नाउ हमारे पास क्या वैल्यू गिवन है, ये वाली, पुटिंग द वैल्यू, हमारे पास बाय पुटिंग द वैल्यू क्या आ जाएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, हमारे पास वैल्यू गिवन है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की, इट्स 17, ठीक है, वो वैल्यू इसमें हमने पुट कर दी, ठीक है, 17 वैल्यू पुट की, इट्स 64। 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम अ 34, 34 बन गया ये, प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, इट्स इक्वल टू 64। नाउ अब इसको आप यहाँ ले जाएं तो आपके पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर की वैल्यू आ जाएगी जो हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है, एंड 64 माइनस 34, 64 में से 34 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड वी विल गेट अ 30, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, हेंस दिस इज अवर सोल्यूशन। आई होप कि आपको आज समझ आया हो कि मैंने जो भी फार्मूला भी आपको बताया कि वो किस तरीके से क्वेश्चंस पर अप्लाई किया जा सकता है। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट जो है वो नए फार्मूले के साथ मैं आपको कल इंशाल्लाह बताऊंगी। अल्लाह हाफिज़।